हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज मैं आपको सुजुकी GSX 300 के बारे में बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एंड ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना। सो हियर वी गो। फ्रेंड सुजुकी काफ़ी अच्छी ब्रांड है, बहुत ही वेल नोन ब्रांड है एंड काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में है एंड आई गेस आप सबको उस ब्रांड के बारे में पता होगा। उसने अपनी मोटरसाइकिल GSX S300 को चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया है अंडर द नेम Heijoo 300। एंड फ्रेंड जो Heijoo है वो एक जापानीज ब्रांड है एंड आई डोंट नो कि मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड फ्रेंड्स ये जो ब्रांड है Heijoo वो सुजुकी का पार्टनर है एंड दैट्स वाई उसने अपनी बाइक Heijoo कंपनी को दे दी है एंड वो चाइनीज मार्केट में Heijoo DR 300 करके लॉन्च होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी या नहीं होगी। हम देखने जाते सुजुकी ने काफ़ी अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल्स एंड मोपेड टू व्हीलर्स इंडियन मार्केट में डाले हैं एंड यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये बाइक भी इंडियन मार्केट में आएगी या नहीं आएगी। फ्रेंड्स हम सुजुकी की बात करें तो इंडियन मार्केट में आपको उसकी 100cc में बाइक्स मिल जाएगी, 150cc में भी काफ़ी आपको अच्छी अच्छी बाइक्स मिल जाएगी। जिस सुजुकी जिक्सर्स है, जिक्सर SF है एंड आपको 250cc सेगमेंट में भी आपको जिक्सर्स मिल जाएगी। हम देखने जाए तो हर एक सेगमेंट में उसकी बाइक्स अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे जो 300cc का सेगमेंट है वहाँ पे उसकी बाइक अवेलेबल नहीं है। एंड हम इंडियन मार्केट की बात करें तो 300cc सेगमेंट में काफ़ी कम बाइक्स अवेलेबल है हमारे पास। एंड फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फेड बाइक्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नेकेड बाइक्स की बात कर रहा हूँ। फेड बाइक्स यानी कि RC 200, RC 390, R15 जो कहा था कि निंजा आती है वो सब फेड बाइक्स के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स हम 300cc सेगमेंट के अंदर देखने जाए नेकेड बाइक्स में तो आई थिंक हार्डली 2 या 3 बाइक्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि होंडा की जो CB 300 RR आती है वो हमारे पास है, BMW की जो G310 आती है वो है। तो फ्रेंड्स हार्डली 2-3 बाइक्स अवेलेबल है हमारे पास। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सुजुकी इस पॉइंट का एडवांटेज गेन करे एंड यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाकर ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च करे जिससे उसकी काफ़ी सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि हम देखने जाए तो बहुत ही कम बाइक्स है, बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। एंड फ्रेंड्स सुजुकी की दूसरी बाइक्स आती है 150cc सेगमेंट में एंड 250cc सेगमेंट में वो उतनी नहीं चल रही, आई मीन बाइक्स तो अच्छी है लेकिन उतनी सेल्स नहीं हो रही है एंड उसके जो टू व्हीलर से एक्सेस है बर्गमैन है वो ज़्यादा बिकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि सुजुकी यहाँ पे अपना एडवांटेज गेन करे एंड ये बाइक इंडिया में लॉन्च करे एंड अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी तो काफ़ी बढ़िया रहेगी इंडियन बायर्स के लिए। तो अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी तो उसका जो नेम है वो आई थिंक GSX S300 की जगह Jigsaw 300 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बाइक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी एग्रेसिव एंड काफ़ी स्पोर्टी दिखती है बाइक एंड बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। यहाँ पे आपको नेकेड रोडस्टर स्टाइलिंग मिल जाएगी एंड इसका जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर है एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बाइक पे एंड बाइक को बहुत ही स्पोर्टी लुक दे रहा है। इसके हम हेडलैम्प की बात करें तो इसमें आपको फुल LED हेडलैम्प मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इकोनॉमी एंड फ्रेंड्स राइडिंग के रिलेटेड आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे एलो व्हील्स मिलते हैं, स्टेप अप सीट मिलती है एंड आपको ड्यूअल टोन का एग्जॉस्ट भी मिलता है। एंड फ्रेंड्स ये सब फीचर्स की वजह से ये बाइक काफ़ी अच्छी दिखती है एंड काफ़ी एग्रेसिव है इस बाइक की स्टाइलिंग। फ्रेंड्स इस बाइक की जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी एग्रेसिव है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड बहुत ही अच्छी दिखती है बाइक, बहुत ही स्पोर्टी दिखती है बाइक एंड इसके जो इंजन है वो भी काफ़ी कमाल का इंजन है, बहुत ही अच्छे पावर फिगर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 298cc का पैरेलल ट्विन इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 28.8 BHP ऑफ पावर एट 8500 RPM एंड 27.8 NM ऑफ टॉर्क एट 6500 RPM एंड यहाँ पे आपको 6-speed गेयरबॉक्स मिल जाएगा यानी कि 6 gears आपको मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स इसके पावर फिगर्स को आप देख कितने अच्छे पावर फिगर से, बहुत ही पावरफुल बाइक है एंड अगर ये बाइक इंडिया में आएगी तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शंस मिल जाएगा इंडियन बायर्स को एंड ये बाइक काफ़ी अच्छी रहेगी इंडियन मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि इसका जो इंजन है वो कमाल का है, काफ़ी कमाल की बाइक है एंड इसके जो ब्रेकिंग वो ऑब्वियसली अच्छी होगी, आई मीन ड्यूअल चैनल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसके फ्रंट सस्पेंशन देखो, ये जो गोल्ड येलो कलर के सस्पेंशन है वो कितने अच्छे दिखते हैं बाइक पे एंड कितने सूट होते हैं। अगर ये बाइक इंडिया में आएगी तो इंडियन बायर्स के पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा एंड बहुत ही पावरफुल एंड स्टाइलिश बाइक का ऑप्शन रहेगा इंडियंस के पास। इसकी हम प्राइसिंग की बात करें तो अभी तक कुछ ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए हैं लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी जो प्राइसिंग होगी वो होगी अराउंड 2.23 lakhs। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड
stay safe.